भाई, अगर आप विज़ एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो अबू धाबी से बाकू, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि सबसे पहले आपने ICA में इन आउट के लिए रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड करके वो एक PDF आप उसमें से डाउनलोड करेंगे, जी जो आपका बार कोड होगा वो आपके पास होना चाहिए। SC टर्म एंड कंडीशन मैंने बोर्डिंग करते हुए पढ़ी थी ऐप के अंदर, क्योंकि मैं विज़ एयरलाइन से आया था जो दुनिया की सस्ती तरीन एयरलाइन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उसकी बोर्डिंग जो है ऑनलाइन पहले ही कर लेनी है, ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा। सब बाकू एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जो भी अपडेट है बाद में देता हूँ आपको। अगर सामान का भी आपने ख्याल रखना है, जो आप वेट लेके आ रहे हो वो उतना ही होना चाहिए जितना आपने बुक किया है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और PCR टिकट और क्या कहते हैं उसको, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये प्रिंट करके साथ ले आइएगा, एक एक कॉपी लाजमी लाइएगा। 2 मन्नत का बस का कार्ड मिलता है, उसमें 2-3 मन्नत आप ऐड कर लें, और 1 दिरहम में आप 1 मन्नत में जो है आप पहुंच जाएंगे वहां पे जहां आपका डेस्टिनेशन है। ये बस इतनी सस्ती है भाई। एयरपोर्ट से जब ये लोग बाहर टैक्सियों वाले खड़े होते हैं, दूसरे प्राइवेट टैक्सियों वाले, वो टैक्सी ना लें आप। अगर आपका इंटरनेट का पैकेज है तो वेल एंड गुड, वरना एयरपोर्ट वाईफाई से इसको कनेक्ट करके बोल्ड ऐप में जगह का अपने होटल का नाम डालें, सर्च करें, गाड़ी का नंबर, बंदे का नाम, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। बाहर जाके उसको ले सकते हैं आप। ये लो भाईजान, मैं अपने होटल ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। हॉस्टल, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ पे भी काफ़ी है, देखो इस तरह का नज़ारा है, देख लें आप। भाई ये मैं अपने हॉस्टल के सामने हो गई, ये पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पहुंच गया हूँ यहाँ पे, बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो फिर बाद में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है, मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। 93 दिरहम में मैंने ये 3 दिन के लिए बुक किया, बाकी चले बाद में आपको दिखाती हूँ। बोले जी कंट्री में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं चला गया था, ठीक है। अभी हॉस्टल जा रहे हैं, कुछ इस तरह का नज़ारा है। हाय, थैंक यू सो मच ब्रदर। हेलो, भाईजान ये टूर है मेरे हॉस्टल का जहाँ मैं आज रुक रहा हूँ। ये अली भाई है। किचन, दिस इज़ द किचन रूम। पाजी की नाम अपना? परमजीत पाजी, मिले हैं पहले बंदे थे, ठीक है। तो जरा थोड़ा नज़ारा खा के फिर तो ना गल कर दे हैं। स्मोकिंग हाँ? नो स्मोकिंग, ओके। नो स्मोकिंग। ये जी वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है। शावर लेने के लिए टॉयलेट वगैरह इस तरह से है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं, नॉट बैड। ओके ब्रो, ओके, थैंक यू ब्रो। शिंदे सामान साथ में मनी पे। ओके, मनी यू विल कट फ्रॉम माय कार्ड और कैश? नो, ये इस तरह से
दिखाई दे रहा है। इस्त्री स्टैंड है ये, मेरा बेड ऊपर देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज अजरबैजान सी। सो आई एम विद पाजी, तुहाडा नाम परमजीत। परमजीत पाजी दे नाल आ मैं, असी होस्टल च हां। ते ए भाई होरां सानू जिहड़ी ए Turkey. He is Mr. Jamil from Turkey, and he offered me this Azerbaijan tea. It's nice. I'm enjoying, guys. It's my first experience to stay in hostel. I'm enjoying. So what will be next, guys? I will update you. This hostel I booked it for 93 dirham, which is like 43 manat. So other things, guys, I will explain you later, because I am with them talking some local things. So let's see.